हेलो गाइस, वेलकम टू सेंसेस ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज़ मोहित, और हमने पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने डेल्टोइड बड़ा मसल, इंटरमस्कुलर स्पेसिस और रोटेटर कफ की बात की थी। तो काफ़ी मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, इनको भी कवर करो। तो इस वीडियो में हम रेडियल नर्व कवर करेंगे, नेक्स्ट में मीडियल नर्व कवर करेंगे, उसके बाद मस्कुलोक्यूटेनियस और एक्सिलरी। तो चारों जो नर्व्स हैं हमारी अपर लिम की, उनको हम एक एक करके कवर करते हैं। अल्नर नर्व मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो मैं इसलिए चार बोला हूँ। तो इस वीडियो में हम रेडियल नर्व की बात करेंगे, पूरा उसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर रूट वैल्यू, उसके बाद उसका कोर्स पढ़ेंगे पूरा, फिर उसकी ब्रांचेस देखेंगे। तो बहुत ही ईजी होने वाला है ये टॉपिक, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अलग अलग डायग्राम्स और मैंने अलग अलग जो मतलब टेबल्स बनाई हैं उसकी मदद से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व की बात करें तो हमें पता है, हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ रखा है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ के यहाँ पे आ रहे हो। नहीं पढ़ा तो पहले ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ो, तभी आपको इसका ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये समझ आएगा। तो जो हमारा रेडियल नर्व है वो पोस्टियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच है। हमें पता है जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसमें RTDCB नाम की कुछ चीज़ होती है, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। तो उसमें कॉर्ड जो सी से वर्ड है उसमें ये पोस्टियर कॉर्ड होता है, लेटरल कॉर्ड होता है, मीडियल कॉर्ड होता है। तो रेडियल नर्व जो है वो ब्रांच है पोस्टियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की। ब्रेकियल प्लेक्सस की जिसने वीडियो नहीं देखी हो जाकर देखो, बहुत अच्छे अच्छे निमोनिक बता रखे मैंने, इजी मस्त वाले, तो वो जाके देखो। पोस्टियर कॉर्ड का मैंने बनाया था, ऊपर सबके लाठी, नीचे सबके एक्सिलरी रोड, तो ये उसकी ट्रिक है। तो उसमें रोड वर्ड से रेडियल नर्व बन रहा है। तो पोस्टियर कॉर्ड की जो पोस्टियर कॉर्ड है ब्रेकियल प्लेक्सस का, उसकी ब्रांच है हमारी रेडियल नर्व। उसके अलावा ये थिकेस्ट ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सस की, MCQ भी होगा। रूट वैल्यू की बात करें तो रूट वैल्यू भी आपको उसी में समझ आएगी। इसकी रूट वैल्यू होती है C5 से C8 और T1, मतलब C5, C6, C7, C8 और T1। ये पांच जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की सेगमेंट्स हैं उनसे छोटे छोटे रूट्स निकलती हैं जिससे मिलके हमारी बनती है रेडियल नर्व। तो ये हमने बात कर ली इसकी रूट वैल्यू की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कोर्स के ऊपर। तो कोर्स के ऊपर चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा ब्रेकियल, मैंने बोला ब्रेकियल प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस से रेडियल नर्व निकली। रेडियल नर्व कहाँ गई? ये हमारा क्या है? एक्जिला। तो रेडियल नर्व एक्जिला में एंटर करती है। एक्जिला में जाने के बाद अब हमें पता है कि हमारी मीडियल साइड में अल्नर नर्व होती है, बीच में मीडियल नर्व होती है और लेटरल साइड में रेडियल नर्व होती है। तो रेडियल नर्व यहाँ पे है, लेकिन उसको जाना है हमारे जो हमारा हैंड है या आर्म फोरआर्म है उसके लेटरल साइड में उसको जाना है। तो जाने के लिए उसको क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन वो आगे से क्रॉस नहीं करती। मान लो स्किन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, मेरी स्किन को यहाँ पे मान लो कि स्किन नहीं है, सीधा ह्यूमरस बोन आपको दिखाई दे रही है, ये समझ के चलो। तो अब उसको ह्यूमरस के आगे से जाना है या पीछे जा सकते हैं? तो रेडियल नर्व बोलती है मैं पीछे से जाऊंगी। तो एक्जिला में जैसे ही वो एंटर करती है, उसके बाद वो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में घुस के पीछे की तरफ चली जाती है, ह्यूमरस के पीछे से घूमती है और घूम के दोबारा आगे आती है, ठीक है। घूम के दोबारा आगे आती है और आगे आके कहाँ एंटर करती है? ये क्या है मेरा? ये मेरा क्यूबिटल फोसा होता है, यहाँ पे इसकी भी बात करेंगे। क्यूबिटल फोसा के में आती है लेटरल साइड में, उसके बाद एंटर कर जाती है फोरआर्म में। फोरआर्म में आके उसकी दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, ऐसे दो ब्रांच हो जाती है। एक सुपरफिशियल ब्रांच है जो ऐसे ऊपर ऊपर चलती है, ऊपर जाके हमारे एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में चली जाती है। और एक जो होती है वो होती है डीप ब्रांच, जो यहाँ से यहाँ पे तो आ गई, यहाँ पे घुस जाती है नीचे डीप और जाती है बैक ऑफ द फोरआर्म में, वहाँ की मसल्स को सप्लाई करने के लिए। तो मैंने आपको जैसे अभी छोटा छोटा मतलब थोड़ा सा आइडिया दिया कोर्स के बारे में, उसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि किस किस मसल्स को हमारी रेडियल नर्व सप्लाई करने वाली है। तो हमें पता है, सबसे पहले मसल्स की बात करें तो हमारे आर्म में आगे की तरफ तीन मसल होती है, कौन कौन सी? ब्रैकियोरेडियलिस, ब्रैकिया सॉरी कोरेको ब्रैकियलिस, ब्रैकियलिस एंड बाइसेप्स ब्रैकाई। पीछे की तरफ एक मसल होती है, कौन सी? ट्राइसेप्स ब्रैकाई। फोरआर्म में आगे की तरफ कंपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। पीछे वाले कंपार्टमेंट को बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक सुपरफिशियल पार्ट, एक डीप पार्ट। सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स। इसी तरह जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है उसमें कुछ सुपरफिशियल मसल्स होते हैं, कुछ डीप मसल्स होती हैं। तो जो हमारी रेडियल नर्व है उसका बेसिकली काम होता है पीछे वाले बैक ऑफ द आर्म एंड बैक ऑफ द फोरआर्म, इसकी सारी मसल्स को रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। आंख बंद करके याद कर लो, आर्म की पीछे वाली मसल ट्राइसेप्स ब्रैकाई, फोरआर्म की पीछे वाली मसल्स के नाम अभी बताता हूँ, सबको रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, ये बात याद रखना। जितनी ब्रांचेज आएगी इसमें आगे वाली कोई भी मसल नहीं आने वाली, सब पीछे वाले आने वाले। कौन कौन सी? आर्म के पीछे में क्या है? ट्राइसेप्स ब्रैकाई। तो फोरआर्म की मसल्स की बात करें तो फोरआर्म में हमारे पास जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है उसकी दो तरह की मसल है, एक सुपरफिशियल मसल और एक डीप मसल। सुपरफिशियल मसल्स के नाम मैं रिवाइज करवाता हूँ, एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पा अल्नरिस। ये सात सुपरफिशियल मसल्स हैं। डीप मसल्स की बात करें तो डीप मसल्स में हमारे पास आता है सुपाइनेटर, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस।
ये पांच हमारे पास होगी डीप मसल। तो इसको नहीं याद हो एक बार लिख के देख लेना, ठीक है, साथ में लिख के रखना। इन्हीं सब मसल्स को सप्लाई करने का काम रेडियल नर्व का है, बाकी किसी को सप्लाई नहीं करेगी वो, किसी नर्व को, किसी मसल को सप्लाई नहीं करेगी, आर्म में भी नहीं, फोर आर्म में भी नहीं। इन्हीं कितनी होगी, पीछे 7 और 5 12 होगी, और एक ये 13, टोटल 13 मसल्स को सप्लाई करने वाली है। अभी आगे देखोगे समझ आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कोर्स के बारे में। तो जो कोर्स है हमारा रेडियल नर्व का, तो हमें पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस से निकल के कहाँ घुसी, एक्सिला में। तो हम एक्सिला की बात कर सॉरी मैं पेन चेंज करता हूँ, तो हम एक्जिला की बात करने वाले हैं। तो एक्जिला के नीचे मैंने 2-1 लिखा हुआ है, ये उसकी ब्रांचेज हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो रेडियल नर्व क्या होता है ना, कि ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलने बाद एक्जिला में जब घुसती है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये हमारी पोस्टियर कॉर्ड है। तो पोस्टियर कॉर्ड जो है वो ये जो रेड कलर में दिख रही है एक्जिलरी आर्टरी, तो वो एक्जिलरी आर्टरी के पीछे पीछे जाती है। तो पोस्टियर कॉर्ड एक्जिलरी आर्टरी के पीछे पीछे ऐसे आती है और आगे जाके वो ब्रांच देती है, कौन सी, रेडियल नर्व। कहाँ देती है वो ब्रांच, थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी। तो एक्जिलरी आर्टरी मैंने यहाँ पे दिखाया रेड कलर में, ठीक है, ये एक मसल दिखाया गया जिसका नाम है पेक्टोरिस माइनर। तो पेक्टोरिस माइनस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्जिलरी आर्टरी को, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। तो जैसे ही सेकेंड पार्ट खत्म होता है, तो वहाँ पे जाने के बाद पोस्टियर कोर्ट से एक ब्रांच निकलती है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्जिलरी आर्टरी के पीछे से आ रही है। मैं वैसे दिखा रहा हूँ लेकिन ये पीछे से आ रही है, ये रेडियल नर्व, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, तो ये रेडियल नर्व है। तो रेडियल नर्व जो है वो एक्जिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के पीछे रन करती है एक्जिला में, और अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी पे भी, मतलब के पीछे भी रन करती है। तो क्यों मैंने बोला, क्योंकि एक्जिलरी आर्टरी से आगे जाके ब्रेकियल आर्टरी भी बनता है, तो दोनों के ही वो रिलेशन में आ जाती है। तो किसके पीछे है, ब्रेकियल आर्टरी और एक्जिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के पीछे, आगे किसके किसके है, तो एक्जिला में किसके आगे होगी, वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जिला के आगे होगी। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जिला में पता है कौन बनाता है, 3 मसल्स हमारे पास बनाती है, सबस्कैपुलरिस ऊपर की तरफ, लैटिसिमस डोर्साई और टेरिस मेजर नीचे की तरफ। तो कौन कौन बनाता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेडियल नर्व डिसेंड्स बिहाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी एंड अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, और किसके आगे, आगे किसके होती है, मसल्स फॉर्मिंग द पोस्टियर वॉल ऑफ एक्जिला। तो पोस्टियर वॉल ऑफ एक्जिला की 3 मसल्स है, उनके आगे की तरफ होती है। तो मतलब सैंडविच बन गया, किस किस के बीच, एक्जिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट और पीछे पोस्टियर वॉल ऑफ एक्जिला के बीच में ये प्रेजेंट होती है। अब टेरिस मेजर के जैसे ही वो लोअर बॉर्डर पे आती है, वो पीछे की तरफ चली जाती है। कहाँ, किसके थ्रू, पीछे जाने के लिए कोई सुराग होना चाहिए, क्या सुराग है, मसल्स के बीच में कुछ सुराग है जिसको हम इंटरमस्कुलर स्पेसिस बोलते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी। तो किसके अंदर से, कौन से सुराग से जाती है, 3 सुराग थे, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। तो वो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के अंदर से होते हुए पीछे की तरफ चली जाती है। पीछे उसको क्या मिलेगा, मैंने बताया था एक्जिला में गई और पीछे गई, किसके पीछे से जा रही है, ह्यूमरस बोन के पीछे जा रही है, ह्यूमरस बोन के अराउंड घूम के लेटरल साइड में आगे की तरफ आ जाएगी। तो ब्रांच की बात बाद में करेंगे। तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, जैसे ही टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर पे पहुंची, टेरिस मेजर का लोअर बॉर्डर क्या बनाता है, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस की सुपीरियर बाउंड्री बनाता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर स्पेस था, इसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा था, सुपीरियर बाउंड्री बना रहा था टेरिस मेजर का लोअर बॉर्डर। मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा था, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैका। और लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा था, हमारे पास ह्यूमरस बोन का शेफ्ट। देखो ये रेडियल नर्व यहाँ से मैंने इसमें से भी दिखा रखी है निकलते हुए, तो ये हम पीछे से देख रहे हैं। तो रेडियल नर्व पीछे की तरफ आई और ह्यूमरस बोन के ऐसे घूम गई, कहाँ से घूमती है, रेडियल ग्रूव बोलते हैं उसको, उसकी बात भी करेंगे अभी। तो इट एंटर्स द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस बिटवीन द टेरिस मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैका एंड शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। क्या है, मैंने क्या 3 चीज़ लिखी है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, तीनों चीज़ लोअर ट्रायंगुलर स्पेस की बाउंड्री मैंने लिखी है। तो एक्जिला से कहाँ चली गई, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में गई, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस के थ्रू कहाँ चली गई, रेडियल ग्रूव। कहाँ चली गई, रेडियल ग्रूव, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ह्यूमरस का पीछे वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस पोस्टीरियर व्यू में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्रूव प्रेजेंट है, रेडियल ग्रूव, इसी के अलोंग रेडियल नर्व ऐसे घूम के ऐसे आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। इस वाला डायग्राम में भी अगर आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये टेरिस मेजर आपको दिखाई दे रही है मसल, तो ये स्कैपुला थी, ये हम पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कैपुला है और ये हमारे पास बाकी मसल्स थी, यहाँ पे ह्यूमरस बोन थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बाकी ऐसे छुपी हुई है मसल्स के बीच में। तो अगर आप देखोगे टेरिस मेजर का लोअर बॉर्डर, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया ट्राइसेप्स का और यहाँ पे ह्यूमरस बोन, बीच में एक स्पेस बन गया, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। इस स्पेस के थ्रू देखो निकल रही है रेडियल नर्व, किसके साथ, और क्या आता है लोअर ट्रायंगुलर स्पेस का, और क्या कंटेंट होता है, प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स। तो रेडियल नर्व प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स के साथ साथ आ रही है। तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस ये मैंने आपको बता दिया। अब ब्रांचेस की बात करते हैं, तो एक्जिला में मैंने लिखा है 2,1, 2 का मतलब है मस्कुलर ब्रांचेस और कोमा के बाद जो लिखा उसका मतलब है क्यूटेनियस ब्रांच। तो रेडियल नर्व एक्जिला में 2 मस्कुलर ब्रांच देती है, 1 क्यूटेनियस ब्रांच देती है। मस्कुलर ब्रांच कौन कौन सी देती है, तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्जिला में जब वो होती है तो वहाँ पे वो एक ब्रांच देती है किसको, मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को। तो हमें पता है कि किस किस को सप्लाई करना है उसको, ट्राइसे अभी तो वो आर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो किसको सप्लाई करेगी, पीछे कौन सी, एक ही तो मसल है ट्राइसेप्स, उसके 3 हेड है, मीडियल हेड, लेटरल हेड और लॉन्ग हेड।
मीडियल हेड को दे दिया एक्जिला में, टोटल 3 ब्रांच देनी है, 2 मस्कुलर 1 क्यूटेनियस। तो मस्कुलर 2 कौन कौन सी होगी, एक तो मीडियल हेड को दे दिया, दूसरा लॉन्ग हेड को दे दिया। लॉन्ग हेड तो खुद, अरे यार लॉन्ग हेड तो खुद बाउंड्री बना रहा है, तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से घुसते हो, इसको भी एक दे दिया, ले तू भी ले ले, एक ब्रांच तेरे को दे दी। तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को दे दिया, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को दे दिया, और एक क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो पोस्टर पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो पूरा ठेका ही जब रेडियल नर्व ने उठा रखा है पीछे का, तो जो पीछे की स्किन है उसको भी सप्लाई कर देती है रेडियल नर्व, ले स्किन को भी दे दी, एक ब्रांच स्किन को दे दी, उसका नाम है पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, जो सप्लाई करती है स्किन अलोंग द पोस्टियर सर्फेस ऑफ द अपर आर्म। अपर आर्म देखो, अपर आर्म को सप्लाई कर रही है, लोअर आर्म के लिए एक और ब्रांच देगी, अभी देखना आगे। तो ये हो गया हमारा एक्जिला, समझ आ गया, 2.1 भी समझ आ गया, ये वाला डायग्राम भी समझ आ गया कैसे रेडियल नर्व ऐसे घूम के। अब ये यहाँ पे दिखनी बंद होगी, देखो यहाँ पे दिखनी बंद होगी, यहाँ पे जाने के बाद ध्यान से देखना, मैं एरो दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो आगे की तरफ चली गई है। ये डायग्राम क्या है, ये पोस्टीरियर व्यू, ये है पोस्टीरियर व्यू, पीछे से हम देख रहे हैं, ठीक है। अब कहाँ चली गई थी, एक्जिला के बाद कहाँ जाती है, वो रेडियल सल्कस में। अब रेडियल ग्रुप की बात करते हैं, तो रेडियल ग्रुप के ऊपर की तरफ देखोगे, ये पीछे, ये भी पोस्टीरियर व्यू मैं बता चुका हूँ। तो रेडियल ग्रुप के ऊपर से ओरिजिन लेती है लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकाई, और उसके नीचे से ये बड़ा सा जो रेड कलर में ओरिजिन दिख रहा है, ये मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकाई। तो लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा ये रेडियल ग्रुप, सॉरी, हाँ, तो इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है रेडियल ग्रुप, यहीं से हमारी नर्व आती है। तो अभी एक और हमें रिलेशन पता लग गया रेडियल नर्व का, कि रेडियल ग्रुप में वो किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई के बीच में सैंडविच बन जाता है उसका। तो रेडियल नर्व एंटर्स टू द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस इनटू द रेडियल सल्कस, हमें पता है, कितनी बार बताऊँ, रेडियल सल्कस में अगर हम बात करें तो इट लाइज बिटवीन द लेटरल एंड द मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकाई, जो मैंने अभी बताया। और इस रेडियल नर्व के साथ साथ कौन सी वेसल्स आ रही थी जो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस का भी कंटेंट बना रही थी, वो प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स, तो उसके साथ साथ ही ये चल रही होती है रेडियल ग्रूव में भी। अब जैसे ही रेडियल ग्रूव को क्रॉस करके लेटरल साइड में पहुंचती हैं, अब यहां पे इनको एक अड़चन मिलती है जिसको हम बोलते हैं लेटरल इंटर मस्कुलर सेप्टम, जो लिखा हुआ है यहाँ पे लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, वो एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करती है, उसके अंदर सुराख करती है, और उस सेप्टम के अंदर से होते हुए वो आगे की तरफ आ जाती है, क्योंकि पीछे थी, आगे आना है, तो बीच में सेप्टम बीच में आ गया, तो उसको पियर्स करते हुए ये आगे आ जाती है, और आगे आके लोअर पार्ट ऑफ द आर्म में ये आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, लेकिन लेटरल साइड में, ठीक है। इट लीव्स द सल्कस बाय पियर्सिंग द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड एंटर्स द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। आप आर्म के कंपार्टमेंट पढ़ना, उसमें आपको और अच्छे समझ आएगा। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में ये अब आ चुकी है। अब रेडियल सल्कस में टोटल 5 ब्रांच देती है, 3.2, मतलब क्या है, 3 मस्कुलर एंड 2 क्यूटेनियस ब्रांच। 3 मस्कुलर ब्रांच कौन कौन सी होगी हमारे पास, 3 मस्कुलर ब्रांच होगी, लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को देगा, ऑब्वियस सी बात है यार, रेडियल ग्रूव से जा रही है, तो एक ब्रांच इसको दे दी, एक ब्रांच इसको दे दी, दोनों को एक एक दे दी, एहसान कर दिया इनके ऊपर, लेटरल हेड को दे दी, मीडियल हेड को दे दी। अब और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नीचे एनकोनियस का भी ओरिजिन ह्यूमरस के पीछे से ही होता है लेटरल साइड में, ये लेटरल साइड है, ठीक है, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है, ठीक है, इतना ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है ना, या मीडियल साइड होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो एनकोनियस भी ह्यूमरस के पीछे से ओरिजिन ले रहा है, तो यहीं पे वो एक ब्रांच एनकोनियस को भी दे देती है। तो एनकोनियस किसकी ब्रांच है, एनकोनियस हमारी जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है फोरआर्म का, उसकी सुपरफिशियल मसल है, सॉरी मसल की बात करूँ मैं, तो एनकोनियस सुपरफिशियल मसल है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, मैं अभी बताया भी था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, तो उसको भी यहीं पर सप्लाई करती है। तो 3.2 का मतलब समझ आ गया। अब 2 क्या है, एक है पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, अब मैंने बोला पीछे का सारा ठेका रेडियल नर्व ने उठा रखा है, तो ऊपर दी थी पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, नीचे देखिए पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, जो स्किन ऑफ फोरआर्म है पीछे की तरफ, जो पोस्टियर जो सर्फेस है आर्म फोरआर्म का, उसकी स्किन को भी सप्लाई करती है पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है, एक नर्व ये होगी। और एक और ब्रांच देती है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मैं बोला था कि जो पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है वो अपर पार्ट ऑफ द आर्म को सप्लाई कर रही है स्किन को, तो लोअर पार्ट को कौन करता है, उसके लिए मैं बोला था एक और ब्रांच देगी, वो है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो 3 हमने क्यूटेनियस ब्रांच अभी तक पढ़ ली है इसकी, 3, 1 एक्जिला में और 2 इधर रेडियल सल्कस में, या फिर इसको आर्म में भी आप बोल सकते हो। उसके अलावा ये वस्कुलर ब्रांच देती है कि इसको प्रोफंडा ब्रेकाए आर्टरी को, ऑब्वियस सी बात है यार, उसके साथ साथ आ रही है, तो उसको भी एक ब्रांच दे दी, उसको कौन सी ब्रांच बोलेंगे, वस्कुलर ब्रांच। अब मैंने बोला यहाँ पे आगे की तरफ आ गई थी, फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में इधर आ चुकी है वो, फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में वो आती आने के बाद किस किस के बीच में आ रही है, अब देखना, अब यहाँ पे मतलब देखते जाना, ये आगे से हम देख रहे हैं, ठीक है, ये हम आगे से देख रहे हैं, तो हमारी ऐसे पीछे रेडियल ग्रुप से होते हुए, मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, ऐसे होते हुए यहाँ पे आगे आ गई,
ऐसे फ्रंट ऑफ द आर्म में आ चुकी है हमारी रेडियल नर्व लेटरल साइड में। आने के बाद अब इसको गैप चाहिए निकलने के लिए, नीचे जाने के लिए, तो इसको ये वाला गैप मिल गया, छोटा सा गैप था, इसके थ्रू चली गई वो, ऐसे चली गई नीचे की तरफ। ये गैप किस किस के बीच में, ये बड़ी सी मसल क्या है, ये हमारे पास ब्रेकियलिस मसल। तो इसको जो ये छोटा सा गैप मिला है किस किस के बीच में मिला है, ब्रेकियलिस मसल के बीच में, और नीचे में क्या है, ब्रेकियो रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। तो किस किस के बीच में इसको गैप मिला, इसको गैप मिला ब्रेकियलिस, और ब्रेकियलिस कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये क्या है, हेड ऑफ द ह्यूमरस इधर है, तो ये मीडियल साइड होगी, ये लेटरल साइड होगी, ठीक है। तो इसको गैप मिला किस किस के बीच में, मीडियल साइड में क्या है, ब्रेकियलिस, और लेटरल साइड में क्या है, ब्रेकियो रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। यही लाइन अब यहाँ पे लिखी हुई है। तो रेडियल नर्व डिसेंड्स ऑन द लोअर एंड लेटरल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्म, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया वही है। इन द इंटरवल बिटवीन ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस मीडियल साइड में मैंने बोला, और लेटरल साइड पे क्या है, ब्रेकियो रेडियलिस विद एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस। तो इनके जो इनके बीच में जो इंटरवल या गैप जो है उसके थ्रू ये निकल के आती है, कहाँ पहुँच गई, कैपिट्यूलम ऑफ द ह्यूमरस। ये क्या है, ये कैपिट्यूलम ही तो है, सॉरी बड़ा दिखा दिया मैंने, ये कैपिट्यूलम ही तो है जो एरो करके दिखा रखा है। तो कैपिट्यूलम ऑफ ह्यूमरस के आगे से, आगे की तरफ से ये नीचे चली जाती है। नीचे कहाँ जाएगी, आर्म में आगे जाने के बाद नीचे कहाँ जाएगी, ये क्या है, क्यूबिटल फोसा, ठीक है, ये हमारा क्यूबिटल फोसा है। अब मैंने अभी तक जैसे एक्जिला में 2.1 लिखा था, रेडियल सल्कस में मैंने लिखा था 3.2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.0। अब क्यूटेनियस ब्रांच इसने नहीं दी यहाँ पे, क्योंकि दे चुकी है यार, आर्म को भी पूरा कर चुकी है, फोर आर्म के पीछे को भी पूरा कर चुकी है, अब क्या लोगे इससे, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ द आर्म में ये टोटल 3 मस्कुलर ब्रांच देती है, अब किसको देगी, जिसके बीच में से आ रही है उन्हीं को दे दी यार, सिंपल सी बात है। अब मसल्स के नाम तो मैं गिनवा चुका हूँ, बार बार तो बोलने वाला हूँ नहीं, करने वाली है पीछे वाली मसल्स को सप्लाई, या फोर आर्म में पीछे वाली सारी मसल्स को करना है एक एक करके, अब जो जहाँ मिल रही है उसको वहीं ब्रांच दे दे रही है। आगे दिखाऊंगा एक डायग्राम, उससे और अच्छे समझ आएगा। तो 3 मस्कुलर ब्रांच दी किसको, ब्रेकियो रेडियलिस को, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस को, और लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेकियलिस। अब मैं बोला था ब्रेकियलिस तो आगे की मसल है, ये सिर्फ उसके लिए प्रोप्रियोसेप्टिव वाली काम करती है, जैसे प्रोप्रियोसेप्टिव ब्रांच देती है, मोटर ब्रांच उसको हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ही देगी ब्रेकियलिस को, वो रेडियल नर्व नहीं देगी, ठीक है। तो मेन जो मस्कुलर ब्रांच है वो ये दो ही है, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ द आर्म के बाद अब कहाँ चली, अब हम चलते हैं क्यूबिटल फोसा में। तो नर्व जो है वो लेटरल साइड ऑफ द क्यूबिटल फोसा में, हमें पता है क्यूबिटल फोसा का, हमें एक ट्रिक याद है, MBBR, मीडियल, सबसे मीडियल साइड में MBBR, आर आर मतलब रेडियल नर्व, आर से हमारी रेडियल नर्व बन रही थी अगर आपको याद हो। तो क्यूबिटल फोसा में रेडियल नर्व सबसे लेटरल जो कंटेंट है वो बनाती है। तो नर्व एंटर्स द लेटरल साइड ऑफ द क्यूबिटल फोसा और वहां पे जाके वो टर्मिनेट कर जाती है, दो ब्रांच देती है। तो रेडियल नर्व अब यहाँ पे खत्म होने वाली है, तो रेडियल नर्व यहाँ पे आके दो ब्रांच दे दी, और ये उसकी टर्मिनल ब्रांच है, वो आगे नहीं जाने वाली, मतलब ऐसा होता था ना, रेडियल नर्व आगे जाती जा रही है, एक एक ब्रांच छोड़ती जा रही है, ऐसा नहीं है। अब वो यहाँ से दो आखिरी दो ब्रांच इसने छोड़ दी, अब रेडियल नर्व नाम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सी दो ब्रांच थी, एक डीप ब्रांच थी, एक सुपरफिशियल ब्रांच, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सुपरफिशियल ब्रांच को हम बोलते हैं सुपरफिशियल रेडियल नर्व, डीप ब्रांच को हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो मैं आगे पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व ही नाम यूज़ करूंगा और सुपरफिशियल रेडियल नर्व नाम ही यूज़ करूंगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की बात करते हैं, सुपरफिशियल ब्रांच की बात अगले पेज पे करता हूँ, पहले यहाँ पे क्यूबिटल फोसा में जो मेन जो चीज़ है वो डीप ब्रांच है, क्योंकि डीप ब्रांच को डीप जाना है, इसको अभी एक और मिशन पे जाना है। सुपरफिशियल ब्रांच तो ऊपर ऊपर चलती जा रही है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो नीचे जाती जा रही है। डीप ब्रांच को अभी बाकी बची हुई मसल्स को सप्लाई करना है, हमने अभी सारी मसल्स थोड़ी कर ली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में, बहुत सारी बची हुई हैं, तो उसको सप्लाई करने के लिए तो पीछे जाना पड़ेगा ना। मैं यही तो बोला, रेडियल नर्व आगे है अभी, अब इसको वापस पीछे जाना है, बैक ऑफ फोरआर्म जाना है, बैक ऑफ द फोरआर्म जाने के लिए तो भाई सुपरफिशियल ब्रांच बोली मैं आगे नहीं साथ दे सकती तेरा, तो डीप ब्रांच बोलते ठीक है मैं अकेले ही जाऊंगी अब। तो डीप ब्रांच या फिर पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व वो पीछे जाने के लिए क्या करती है, सुपाइनेटर मसल जो है ना उसके दो हेड होते हैं, सुपाइनेटर मसल एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की डीप मसल है, बताया था ना, तो उसके जो दो हेड होते हैं उसके बीच में से निकलती है हमारी पोस्टीरियर इंट्रोशियस ना, उसके बीच में से निकलते हैं वो बैक ऑफ द फोरआर्म में चली जाती है। तो डीप ब्रांच की बात करें तो इट गिव ब्रांचेस टू द टू मसल्स एंड देन इट कोर्सेज बिटवीन द टू हेड ऑफ सुपाइनेटर टू रीच द बैक ऑफ द फोरआर्म। तो अब क्या करते हैं, तो क्यूबिटल फोसा में मैंने 2.0 लिखा है, दो रेडियल नर्व की ब्रांच नहीं है, ये दो ब्रांच मैंने लिखा है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व का, तो मैं यहाँ पे एरो करके दिखा भी देता हूँ, ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व की दो ब्रांच के लिए मैंने 2 लिखा है यहाँ पे, क्यूटेनियस ब्रांच कोई नहीं है यहाँ पे, और जो दो मस्कुलर ब्रांच है वो किस किस को देती है, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस और सुपाइनेटर, सुपाइनेटर के बीच में से जा रही है तो उसको भी दे दिया और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस को दे दिया।
तो हमारे पास कौन कौन सी मसल अभी तक कवर हो चुकी है? हमने ट्राइसेप्स कर ली कवर, एक्सटेंसर में सुपरफिशियल में एनकोनियस हो गई, ब्रेकियोरेडियल्स हो गई, एक्सटेंसर कार्पोरेडियल्स लोंगस हो गई, और यहाँ पे ब्रेविस भी होगी, और डीप मसल में सुपाइनेटर होगी। अब बची क्या? तीन हमारे पास सुपरफिशियल में बची हैं और चार हमारे पास डीप में बची, टोटल सेवन मसल्स बची हैं। उन सेवन मसल्स को भी यही पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व सप्लाई करेगी, लेकिन फोर आर्म में आने के बाद, क्यूबिटल फोसा में नहीं करेगी, फोर आर्म में आने के बाद ब्रांच देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्यूबिटल फोसा में ये एम बी बी आर है, एम से मीडियल नर्व, बी से ब्रेकियल आर्टरी, बी से बाइसेप्स फ्लेक्स, आर से रेडियल नर्व। ये रेडियल नर्व आपको दिखाई दे रही होगी, रेडियल नर्व आगे जाके एक ये वाली ब्रांच दी और एक ये वाली ब्रांच दी। ये हमारे पास कौन सी है? डीप ब्रांच है, ऐसे घुस गई, किसके बीच में घुसी? सुपाइनेटर के दो हेड के बीच में, और सुपरफिशियल नर्व आगे जाती जा रही है। ठीक है, अब सुपरफिशियल रेडियल नर्व की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो अगर आप इस वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान दोगे, तो ये मीडियल एपिकोंडाइल मैंने दिखाया है, मीडियल एपिकोंडाइल, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये लेटरल साइड होगी। ठीक है, ये लेटरल साइड होगी। तो क्या होता है, ये हमारे पास रेडियल नर्व थी, ये सबसे लेटरल में है क्योंकि ये लेटरल साइड है। तो रेडियल नर्व यहाँ पे दो ब्रांच दे दी, एक हमारे पास पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, अगर आप ध्यान दोगे पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व ये यहाँ पे चली गई, डीप में जाके पीछे की तरफ चली गई, ये आगे से देख रहे हैं हम। डायग्राम फिर से बता दे रहा हूँ मैं, ये हम फ्रंट ऑफ द फोरआर्म देख रहे हैं। ये क्या है? फ्रंट ऑफ फोरआर्म हम देख रहे हैं, फ्रंट ऑफ फोरआर्म है ये। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व है उसको यहाँ से दिखाया, उसके बाद वो गायब हो गई, वो पीछे की तरफ चली गई। लेकिन सुपरफिशियल जो रेडियल नर्व है, ध्यान दोगे ट्रेस करना है यहाँ पे मेरे साथ, ये सुपरफिशियल रेडियल नर्व है, ये ऐसे ही सुपरफिशियल चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है नीचे की तरफ। अब नीचे जाके क्या होता है ना, नीचे जाने के बाद ऐसे घूम जाती, घूम के ये भी पीछे की तरफ चली जाती है। तो मैंने बताया था सुपरफिशियल नर्व ऐसे गई 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 और घूम के ऐसे यहाँ से घूम के पीछे की तरफ चली गई, पीछे की तरफ जाके कहाँ जा, कहाँ जा रही है यहाँ पे, वो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में जाती है। तो सुपरफिशियल रेडियल नर्व का आपको मैंने कोर्स क्या बताया यहाँ पे, इट लीव्स द क्यूबिटल फोसा टू एंटर द लेटरल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ फोरआर्म। क्यूबिटल फोसा को लीव की सुपरफिशियल, मैं सुपरफिशियल रेडियल नर्व की बात कर रहा हूँ, डीप ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ। डीप ब्रांच मैंने कहाँ पे खत्म किया अभी लास्ट, मैंने आपको ये बताया कि वो दो हेड ऑफ सुपाइनेटर के बीच से पीछे की तरफ चली गई, उसके बाद मैंने उसके बारे में नहीं बताया, बाद में बात करेंगे। अभी मैं सुपरफिशियल को ट्रेस कर रहा हूँ। तो सुपरफिशियल रेडियल नर्व क्या होती है ना, वो क्यूबिटल फोसा से बाहर निकली और वो लेटरल जो साइड है फोरआर्म की उसमें वहाँ पर ट्रैवल कर रही है और आखिरी में जाके वो घूम के पीछे की तरफ चली जाएगी, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इट लेटरल साइड, इट एंटर्स द लेटरल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म अकम्पनीड बाय द रेडियल वेसल्स इन द अपर टू थर्ड। तो अपर टू थर्ड में वो लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म में चल रही है अलोंग विद द रेडियल वेसल्स, रेडियल आर्टरी, रेडियल वेन के साथ साथ वो चल रही है, कौन? सुपरफिशियल रेडियल नर्व। लोअर वन थर्ड में आने के बाद वो घूम जाती है, मैंने जैसे बताया घूम जाती है, सुपरफिशियल रेडियल नर्व टर्न्स लेटरली, कहाँ गई? और लेटरल चली गई, लेटरल जाके एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में घुस जाती है टू रीच द पोस्टेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म। उसके बाद वो एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स तक डिसेंड करती है, एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में जाने के बाद वो डोर्सम ऑफ हैंड में चली जाती है, एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में घुसी और वहाँ पे डोर्सम ऑफ हैंड पे जाने के बाद वो क्या सप्लाई देगी? सुपरफिशियल रेडियल नर्व है तो सुपरफिशियल सप्लाई देगी, किसको देगी? स्किन को सप्लाई देगी। तो वो किसको सप्लाई करती है? स्किन ऑफ द लेटरल हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ हैंड, ये मेरा डोर्सम ऑफ हैंड है, इसको मैं हाफ करूँ तो ये मिडल फिंगर है, तो इसको ऐसे बीच में से हाफ करेंगे हम, ऐसे ये पूरा हाफ हो गया। तो ये जो लेटरल हाफ है मतलब अंगूठे की तरफ जो मेरा हाफ है, डोर्सम ऑफ हैंड, डिजिट्स की बात नहीं कर रहा, ये डोर्सम ऑफ हैंड है ये वाला, ये तो लेटरल हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ हैंड को सप्लाई करेगा, और किसको सप्लाई करेगा? लेटरल टू एंड अ हाफ डिजिट्स। अब डिजिट्स की बात कर रहा, उंगलियों की बात कर रहा हूँ, तो लेटरल टू एंड हाफ, वन टू और ये मिडल फिंगर का हाफ, लिटल टू एंड हाफ डिजिट्स, कहाँ तक? टिल द डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट, मतलब ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट यहाँ तक, ये डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट है। ठीक है, तो डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट तक ही वो सप्लाई करेगी हमारी रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच, तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व की बात करें तो इट एंटर्स, तो मैंने बोला सुपाइनेटर के दो हेड के बीच से घुसी, बैक ऑफ द फोरआर्म में गई, वहां पे जाके सेवन एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरआर्म को सप्लाई किया। कौन कौन सी बची थी? एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ये तीन क्या थी? ये हमारी सुपरफिशियल मसल थी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की। डीप मसल में कौन कौन सी बची थी? एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस, ये चारों को भी सप्लाई देगी और तीन सुपरफिशियल वाली, टोटल सात एक्सटेंसर मसल जो फोरआर्म को सप्लाई देती है। अब चलते हैं इस वाले डायग्राम में, तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन आई होप कि आपको समझ तो आ रहा होगा। तो इस वाले डायग्राम में मैं पूरा एक आपको कवर कर देता हूँ। ठीक है, C5, C6, C7, C8, T1 रूट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस की बात कर रहे हैं ऊपर वाले पार्ट में, तो यहाँ से निकली क्या? रेडियल नर्व।
ठीक है, रेडियल नर्व निकली, कहाँ घुसी थी, एक्जिला में घुसी थी। तो अब हम चलते हैं एक्जिला पे, एक्जिला की बात करें तो एक्जिला में अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने बोला था 2,1, एक्जिला में हमारे पास 2,1 था। 2 क्या थी, मस्कुलर ब्रांच, किस किस को, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, और एक और ब्रांच दे दी। देखो एक ब्रांच ये होगी, एक ये होगी और दूसरी ये होगी, तो दूसरी जो ब्रांच है वो किसको सप्लाई कर रही है, मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को। तो लॉन्ग और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को एक्जिला में ब्रांच दे रही है, और एक और ब्रांच दे दी क्यूटेनियस, कौन सी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, एक्जिला कवर। अब हम चलते हैं आर्म के ऊपर। तो आर्म के, अगर आर्म के अंदर हमने बात की थी, मैंने रेडियल ग्रूव अलग से बताया था और लोअर पार्ट ऑफ द आर्म अलग से बताया था, ठीक है। तो अब इसमें मिक्स करके चलेंगे, तो मैंने रेडियल ग्रूव में 3,2 बोला था, ठीक है, और लोअर पार्ट ऑफ आर्म में 3,0 बोला था। तो टोटल 6 मस्कुलर ब्रांच यहाँ पे जाने वाली है। किस किस को मैंने बोला था, जो हमारा रेडियल ग्रूव था उसमें मैंने बोला था लेटरल हेड और मीडियल हेड के बीच से जा रही थी, तो उन दोनों को भी सप्लाई कर रही थी। तो एक ब्रांच यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ, मीडियल हेड को भी देती है, एक ब्रांच लेटरल हेड को देती है, उसके बाद एक ब्रांच यहाँ पे देती है एनकोनियस को, एक ब्रांच देती है ब्रेकियलिस को, प्रोप्रियोसेप्टिव ब्रांच, एक ब्रेकियो रेडियलिस मैंने दिखाया हुआ है, उसके बाद एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस मैंने दिखाया हुआ है, उसके अलावा मैंने क्यूटेनियस दिखाया हुआ है। 2 क्यूटेनियस ब्रांच थी, एक पोस्टियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और एक थी लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है, वो 2 थी, ये यहाँ पे नहीं दिखा, ये हाँ है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आर्म वाला कवर, आर्म में मैंने दोनों कवर कर दिए, ठीक है। फोरआर्म की बात करें तो फोरआर्म में मैंने आप बोला था क्यूबिटल फोसा में, मैंने अलग से बताया क्यूबिटल फोसा में 2 ब्रांच थी, किस किस को, सुपाइनेटर और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, ये दोनों क्यूबिटल फोसा में दी थी, ये 2 ब्रांच मस्कुलर ब्रांच, और बाकी बची हुई 7 मसल ये रही, ये वाली 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7ों को कौन सप्लाई कर रहा है, डीप ब्रांच, ठीक है, और सुपाइनेटर और एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस को भी कौन सप्लाई कर रहा था, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, मतलब पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व। तो मैंने यहाँ पे देखो यहाँ तक रेडियल नर्व आ रही थी, उसके बाद ये पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व होगी और ये सुपरफिशियल रेडियल नर्व। अगर आप सुपरफिशियल रेडियल नर्व को पूरा ट्रेस करोगे तो पूरे रास्ते में इसने किसी को कोई मसल को सप्लाई नहीं दिया, इसने ये आगे जाके सिर्फ किसको सप्लाई करती है, ये आगे जाके सिर्फ सप्लाई करती है, सुपरफिशियल रेडियल नर्व की बात कर रहा हूँ, सप्लाई करती है स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ डोर्सम ऑफ हैंड एंड लेटरल 3 1/2 डिजिट एक्सेप्ट नेल बेड बोल लो या फिर टिल द डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम मैं, मतलब मेरा मोटिव ये था दिखाने का कि ये वाला डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में बनाने के लिए, ये एग्जाम में ये बना दिया तो पूरे मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो एक्जिला, आर्म, फोरआर्म और हैंड, मैंने चारों चीज़ आपको समझा दी है, ज़्यादा डीप में नहीं गया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो ब्रांचेज में भी वही मैंने वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो एक्जिला में हमने 2,1 की बात की थी, तो रेडियल सल्कस में मैंने 3,2 लिखा था, उसके बाद हम चले थे लेटरल साइड ऑफ द आर्म में, लेटरल साइड ऑफ आर्म में मैंने 3,0 बोला था। उसके बाद यहाँ पे हमने पता है कि यहाँ पे इसकी टर्मिनल ब्रांच हो जाती है, क्यूबिटल फोसा में होते हैं वैसे टर्मिनल ब्रांच, कौन कौन सी, सुपरफिशियल रेडियल नर्व एंड पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया, ये रेडियल नर्व खत्म हो गया। अब हम डीप ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैंने बोला था क्यूबिटल फोसा में 2 ब्रांच देती है, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस और सुपाइनेटर को देगी, और बाकी बैक ऑफ द फोरआर्म में जाने के बाद वो 7 मसल्स को सप्लाई करती है, इन 7ों को। तो क्यूबिटल फोसा में मैंने 2,0 बोला था और बैक ऑफ द फोरआर्म में 7,0 है, समझ आ गया। अब सुपरफिशियल रेडियल नर्व की बात मैंने की थी कि किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करने वाली, सिर्फ स्किन को सप्लाई करती है, फोरआर्म में लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म को सप्लाई करती है क्योंकि मैंने बोला था कि लेटरल साइड में ही रन करती है, और डोर्सम ऑफ हैंड में मैं आपको बता चुका हूँ, यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो इस वाले डायग्राम की बात करें तो ये वाला डायग्राम आपको एग्जाम्स में बना के भी आना है, तो इस वाले डायग्राम में हम समझेंगे वही जो सुपरफिशियल रेडियल नर्व मैंने बताया था ना, डोर्सम ऑफ हैंड को और लेटरल 2 1/2 डिजिट्स को सप्लाई करती है, वही है। तो आगे ये हो गया हमारे पास फ्रंट ऑफ द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द हैंड, और ये हो गया हमारे पास पोस्टीरियर सर्फेस, मतलब डोर्सम ऑफ द हैंड। तो एंटीरियर सर्फेस ऑफ द हैंड में तो मैंने आपको बोला ही नहीं कि रेडियल नर्व किसी को सप्लाई कर रही है, तो एंटीरियर सर्फेस में रेडियल नर्व कहीं सप्लाई नहीं करती, बस यहाँ पे थोड़ा सा करती है, ये जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स वाला एरिया ना, यहाँ पे करती है थोड़ा सा, तो वहीं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया मैंने, बाकी एंटी सरफेस में रेडियल नर्व नहीं होगी। पोस्टियर सरफेस में कहाँ पे होगी, लेटरल साइड में, मतलब डोर्सम ऑफ हैंड में, ये लेटरल साइड अंगूठे वाले साइड, ये वाले इस वाले एरिया को करेगी और डिजिट्स को करेगी। तो ध्यान से देखोगे तो रेडियल नर्व जो मैंने 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 मतलब पिंक कलर से अगर आप देखोगे जो पिंक कलर में बना हुआ है वो रेडियल नर्व है। तो ये डोर्सम ऑफ हैंड में दिखा रहा हूँ, तो इसमें ये डोर्सम ऑफ हैंड में लेटरल हाफ ऑफ द डोर्सम ऑफ हैंड हो गया, और डिजिट्स भी लेटरल 2 1/2, एक डिजिट, सॉरी हाँ, एक डिजिट, 2 डिजिट और ये आधी डिजिट, 2 1/2 डिजिट्स अप टू द डिस्टल इंटरफेलिंजियल जॉइंट। तो हमने पूरा रेडियल नर्व मैंने पूरा कवर कर दिया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, पर आई होप कि आपको समझ आया होगा रेडियल नर्व। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना, नोट्स में जल्दी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा,
सर्च करो एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस टेलीग्राम पे फॉर द नोट्स, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मोहित चौरान, मतलब डॉक्टर मोहित चौरान के नाम से होगा। एंड करते हैं इस वीडियो को एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मीडियम कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय।